संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम छोले की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसके लिए छोले हमने 4 घंटे पहले भिगो लिया था, फुला लिया था और उसको उबाल करके रख लिया है। 3 आलू उबाले हैं, 2 प्याज लंबे शेप में काट लिया है, 3-4 लहसुन की कलियाँ और 1 हरी मिर्च, 2 टमाटर काट लिए हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच छोले मसाला और 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर करेंगे और गैस की फ्लेम तेज कर देंगे और इसमें तेल डालेंगे। तेल डाल दिया है, थोड़ी देर गर्म होने देंगे, डालेंगे जो हमने फुला करके और उबाल लिया था, इसको डीप फ्राई करेंगे। छोले को गरम तेल में इस तरीके से हम तलेंगे। ये छोले डाल दिए हैं और इसे अच्छे से हम तलेंगे, लाल हो जाएगा, इसके बाद निकालेंगे। ये हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। पूरे फ्राई हो गए हैं, ये देखिए अच्छे लाल हो गए हैं, करेंगे और गैस की फ्लेम तेज कर देंगे और इसमें तेल डालेंगे। तेल डाल दिया है, थोड़ी देर गर्म होने देंगे। गर्म हो गया है, इसमें आलू डालेंगे और इसे बराबर से चला देंगे, इसे थोड़ी देर तक तलेंगे। आलू तल करके तैयार हो गई है, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तैयार हो गई, हमने करेंगे और गैस की फ्लेम तेज कर देंगे और इसमें तेल डालेंगे। तेल डाल दिया है, थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तो धीरे करेंगे, इसमें जीरा डालेंगे, और हरी मिर्च 1 काटी हुई है पतली पतली और लहसुन की कलियां ये डालेंगे। प्याज काट लीजिए पतली पतली, इसको डालेंगे, इसे बराबर से चला देंगे। ये प्याज हमारी तल गई है मसाले, अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसको ज्यादा लाल नहीं करना है, इसको हल्का ही रखना है। अब इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे, इसे रख देंगे थोड़ी देर, इसके बाद इसे ग्राइंड करेंगे। प्याज मिर्ची और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया है, गैस जलाएंगे और इसमें हम तेल डालेंगे। गर्म हो गया है, इसमें अपना पेस्ट डालेंगे जो कि अपन ने ग्राइंड करके तैयार कर लिया था। तल करके इसके ग्राइंड करा था, आप बिना तले भी ग्राइंड कर सकते हैं, ऐसा भी इसका पेस्ट तैयार कर सकती हैं। लहसुन प्याज और मिर्ची का अपने हिसाब से आप कर सकती हैं। ये पेस्ट मसाला हमारा तेल छोड़ने लग गया है, इसका मतलब पक गया है। इसमें हल्दी ऐड करेंगे, जो 1 चम्मच ली थी, ऐसे बराबर से चला देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और बराबर से इस तरह से मिला देंगे। 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे भी इस तरीके से मिला देंगे बराबर से। ये देखिए तेल छोड़ने लग गया है, इसका मतलब एकदम पक चुका है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे, जो कि हमने टमाटर को ग्राइंड कर लिया था, 3 टमाटर काटे थे। हमारा पककर तैयार हो गया है, टमाटर भी पक गया है, ये बढ़िया तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब टमाटर भी पककर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे छोले मसाला, छोले मसाले को ऐड करेंगे और इस तरीके से बराबर से चलाएंगे। मिर्ची ऐड करेंगे 1 चम्मच, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, आप अपने हिसाब से नमक ले सकती हैं, कम ज़्यादा। नमक डालने के बाद थोड़ा पानी यह और छोड़ेगा मसाला, इसे थोड़ा चला देंगे इसको। इसमें हम छोले डालेंगे अपने,
तले हुए जो हमने तला था छोले को, और फिर इसको बराबर से मिला देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, देखिए बहुत अच्छे दिख रहे हैं, सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही है। इसमें आलू ऐड करेंगे जो हमने तला था, तल कर निकाल लिया था। ये इसको भी बराबर से चला देंगे इस तरीके से। इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि सब पका हुआ है। पानी और ऐड करेंगे, इसमें करीबन 2 गिलास पानी ऐड करा है। इसे अब थोड़ी देर के लिए ढक करके रख देंगे। चेक करेंगे, ये देखिए अच्छी उबाल आ गई है, अच्छी खुशबू आ रही है। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छे छोले बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। आप एक बार ज़रूर इस तरीके से बना करके देखिए और अपने। ये हमारे छोले बनकर तैयार हैं।